शिवानी राठौर, आपको स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और आज जैसे कि देख रहे हो, मैं यूनिफॉर्म में हूँ, मेरे को कॉलेज जाना है। तो बहुत दिन बाद मैंने कॉलेज टाइम की वीडियो स्टार्ट करी है। बहुत दिन बाद कॉलेज तो जाना रोज ही होता है, कल भी जाना हुआ था, बट मैंने वीडियो बना था, ब्लॉग आज बनाऊँ कॉलेज जाती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, बना दूँ आज। सो बज रहे हैं 9:30 और मैं हूँ रेडी बिल्कुल। और मम्मी काट रही है पालक, पालक है ना, मैं मेथी, मम्मी काट रही है मेथी। अब मैं इस इंतज़ार में हूँ कि मुझे भूख लग जाए थोड़ी बहुत, तो मैं कुछ खा कर चले जाऊँ, नहीं तो अगर अभी नहीं खाए मैंने, भाई पूरा दिन कॉलेज में रहना, भाई तो खाना है नहीं, और बाहर वही मिलता फास्ट फूड वगैरह, इस चक्कर में तो मैं 10 मिनट वेट कर लूँगा। मुझे भूख लगती है तो मैं खाना खाऊँ, नहीं लगेगी फिर तो ऐसे ही जाना पड़ेगा। मेरे घर से खाना खा के नाश्ता करके ही निकलना चाहिए। और देखिए रेडी हूँ आज, और अभी और एक चीज़ मुझे और समझ नहीं आ रही, जैसे बाहर निकल रही है धूप और साथ में चल रही है हवा, और अब मुझे लग रहा है मैं स्वेटर पहनूं, हाफ जो स्वेटर होता है अंदर पहनने का, पहनूं नहीं पहनूं, पहन लिया और हवा बंद हो गई तो लोग घूर घूर के देखें, अरे इसी ज़्यादा ठंड लग रही है। और अगर नहीं हुई और मैंने नहीं पहना तो मेरी ठंड की मारे हालत ख़राब हो जानी है। अब देखो क्या करना है मुझे, तो मुझे लगी नहीं क्या, फिर भी मैंने चाय पराठे ले लिए हैं क्योंकि मेरे फेवरेट हैं, बता ही रखा है कि सादा खाना पसंद है, तो मुझे ऐसी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, दलिया साबुदाना चाय और पराठा। सब्जी मत दो मुझे, बस यही दे दो, मतलब मेरे को आप डिनर में भी ये दे सकते हो, लंच में भी दे सकते हो, ब्रेकफास्ट में तो है यही है। तो मैं फटाफट से खा लूँ और फिर निकलूँ कॉलेज के लिए। और मेरे ना ये इज्जत से नहीं है, ऐसे करके चाय बहुत गर्म है, पर मेरे चश्मा पाने की क्या है, मुझे ना ऐसा लगता है कि इसमें ना लाइट पड़ रही है इसलिए चश्मा, इसलिए नहीं कि मेरे चश्मा उतर जाए मुझे ठीक लगे, वैसे नहीं, लाइट पड़ती है चश्मे में तो मुझे अजीब लगता है उसमें देखने से, इसलिए अगर वीडियो से होती है और चश्मा मेरे हाथ में हो जाता है। नमक डाल के बनाती मम्मी और इतने टेस्टी बनते हैं, बहुत ही बनते हैं, मुझे लगते हैं टेस्टी हैं। ये देखिए इसे बीच से ऐसे फाड़ लिया और अब ऐसे पतले पतले करके ऐसे करके ऐसे, ये मेरा खाने का ये तरीका है पराठे। कब से ही काट रही है मेथी का साग, अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाया इनने, जैसे मेरे पैर में थोड़ी सी चोट लगी है इसलिए मुझसे चला नहीं जा रहा, तो मैं अपना ब्लेज़र ले लूं क्यों, मुझे वही नहीं हुआ कि मुझे ब्लेज़र भी लेना है। और मम्मी मेरे ना नाखून पक गया, वो पकना क्या कहते हैं उसमें, चोट जो जो भी हो जाती है वो हो गई है मेरी। ब्लेज़र मैंने पहन लिया है, मेरी स्कूटी रेडी है, मैं हेट खोलूँ कोई गेट भी खोलने वाला नहीं मेरा, जो गेट खोल दे मैं चले जाऊँ कॉलेज। ये देखिए ये देखिए मेरा कॉलेज है मेरा, मैं हूँ अपने कॉलेज में सेकंड फ्लोर पे, और अभी क्लास चल नहीं रही तो मैंने सोचा आज मैं आपको अपना थोड़ा छोटा सा पार्ट दिखा दूँ कॉलेज का। और ये हम दोनों बुक्स जो सबमिट करने आए थे लाइब्रेरी में, तो यार बिंद मेरा घर में बिल्कुल अभी आना हुआ है, 3:30 हो गए, और आज मेरा मिलना हुआ मेरी 5 साल पुरानी फ्रेंड से, मतलब 5 साल बाद मिलना, पुरानी तो अभी भी है, फ्रेंड भी अभी भी, बट आज हम लोग 5 साल बाद मिले एकदम रैंडम। तो मुझे उस टाइम ₹200 तो उस टाइम तो मुझे एकदम समझ नहीं आया मैं क्या बोलूँ, और मेरा मूड थोड़ा 4-5 दिन आप लोगों को पता ही ख़राब ही चल रहा है, तबीयत भी ख़राब है, तो समझ नहीं आया कि मैं ब्लॉग बनाऊँ नहीं बनाऊँ, क्या पता उसे कैसा लगता। और बहुत टाइम बाद मिली मुझसे वो 5 साल बाद एकदम से, और बहुत अच्छा लगा मिलके काजल, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा। अगर ब्लॉग देखे तो देख लेना, और आयो नेक्स्ट टाइम फिर से मिले, और
काफ़ी मिलना भी हुआ, साथ में आए भी घर। तो जब मेरे से, मेरा कोई ज़्यादा दूर है नहीं, मुझसे कोई रहता नहीं, तो आज पता लगा जब आपके पुराने दोस्त मिलते हैं तो कैसा लगता है। तो सच में बहुत अच्छा लगा, इस ब्लॉग के लिए नहीं बोला ये मैंने, रियल में बहुत अच्छा लगा। और नेक्स्ट टाइम उससे मिलना, देखना एकदम मूड भी ठीक होगा, मैं भी ठीक। कर लिए चेंज, बाल निकाले भाई, और सर में दर्द है, और अब जाना जिम। देखिए कितनी मेरी लाइफ बिजी रहती है, सुबह उठना, नहाना धोना, कॉलेज जाना, कॉलेज से भी आधे घंटा हुआ है हुए, अभी अभी पूरे 4 बजे कपड़े वपड़े चेंज किए। अब इसके बाद फिर मुझे जाना है जिम, फिर उसके बाद आगे थोड़ा पढ़ना भी है, तभी मेरे पास टाइम नहीं हो पाता वीडियो बनाने का। पर उसी टाइम से मेरे को कुछ ना कुछ करके वीडियो बनाई लेनी होती है। और अब मैंने कुछ सोचा है कि कुछ अलग वीडियो बनाऊँ, वो कुछ दिनों बाद से आना चालू होंगी, कुछ अलग तरह की वीडियो और अलग तरह के ब्लॉग्स आएंगे। और अभी थोड़ा मैं, 8 से 10 दिन हो जाए, माइंड सेट हो जाए, घुमाओ माइंड है तो वो ठीक हो जाए उसके बाद। तो अभी अब लग रही भूख, पहले वो खा लो फटाफट से। देख तू क्या है किचन में, मम्मी क्या है किचन में, खाने में क्या है? नहीं खाना ना, मुझे मेथी पसंद ना रोटी पसंद, रायता पसंद, वो पीना नहीं। चलो ब्रेड है, ब्रेड अब मैं खाऊँ चाय ब्रेड। सुबह मैंने एक पराठा खाया था वो आपने देखा था, उसके बाद चाय ब्रेड खाऊंगा। ये देखिए यहाँ से सब हटा दिया, प्लेन कर दिया, अभी ऐसे ही रहेगा, क्योंकि रात में हमारे भजन हुए थे वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करे, कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि अभी तो मेरे पास सामान भी नहीं है। जैसे मैं आते जाते आपको दिखाऊँ, आज पूरे दिन अकेले ही रहना हुआ तो फिर कैसे मैं बनाऊँ, इसलिए कोई होता नहीं साथ में, तो स्कूटी से आना जाना, कहीं रुकना, किसी से मिलना। तो मैंने बताया मेरी फ्रेंड मिली थी, 5 साल पुरानी फ्रेंड, तो एकदम से बहुत टाइम बाद मिली। अब मैं एकदम से सोलो ब्लॉग बनाते, ब्लॉग शूट करते हैं तो ऐसा भी नहीं होता, फिर भी मैंने बता दिया, वो सुन भी रही होगी, देख रही होगी कि ब्रेड लेकर आऊँ बाहर से। मैं थोड़ी उल्टी जैसा लग रहा है, मतलब वॉमिट लहरेगी, वॉमिट हो जाएगी। मैंने बताया तबीयत ख़राब है, आज मैं दवाई लेकर ही आऊँ, 3-4 जैसे मैंने ऐसी अवॉइड करी, मैंने ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी तबीयत, कुछ ऐसा नहीं है। जब इंसान यहाँ से परेशान हो तो उसे लगता है कि उसकी तबीयत ख़राब है, बट मुझे लग रहा मेरी तबीयत रियल में ख़राब हो गई। देखो ब्रेड है नहीं है, ब्रेड नहीं मिली मुझे, हमारे घर में होते हुए मुझे ब्रेड कभी मिलती ही नहीं, रोज ही ऐसा होता है मेरे साथ, जब नहीं खानी होगी तो इधर उधर पड़ी रहेंगी। जो खानी है अब तो मैं अब कॉफ़ी बना के पीऊँ। मम्मी मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मम्मी नहीं क्या हो गया, चलिए मैं कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी पी लूँ, उसके बाद आपसे मिलूँ। यहाँ पे शॉप पर भैया कर दो बीपी चेक, मेरी दवाई, अभी अभी दवाई लाना होगा मेरा, क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा खराब। खा लो दवाई फटाफट से जी, ये छोटी वाली रे, और ये छोटी वाली रह गई थी, पता नहीं किस चीज़ के लिए। मेरी ध्यान दे यार, और खा नहीं, ए ए ए झूठी नहीं है, नहीं है, पागल समझ रही हो उसे, तू खा लो दया, तभी तो गंदी बो बोल रहा था अभी तुझे। कि मैंने थोड़ी सी टॉपिक खा ली, उसने कहा कि झूठी कर दी, वो खाने यहाँ दुकान में भाग रहा था, बड़ी मुश्किल से मैंने समझाया है, मेरा मुँह कड़वा हो गया था ना दवाई, इसलिए मैंने थोड़ी सी खा ली उसकी और उसी में वो फैल गया। दवाई भी खा ली तब भी तबीयत ठीक नहीं हुई, लेकर आई हैं खिलाने के लिए। क्या लाई हो? चूरन, क्यों मुझे उल्टी जैसा लग रहा है, दवाई खाने मेरा गला भी अजीब सा हो रहा है, हवा बड़ी अजीब सी निकल रही है। हाँ जी फ्रेंड्स, बाय, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। आज की तबीयत ठीक नहीं है तो ज़्यादा सूट हो नहीं पा रहा मुझसे, तो मैं जाऊँ सोने, 9 बजे फिर मैं सोने जाऊँ। बाय, टेक केयर एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, थैंक यू सो मच जितने भी ब्लॉग पूरे थे। बाय।